हाय फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। आप क्वेश्चन को ध्यान से लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि ऑन सेलिंग अ कंप्यूटर फॉर 24,480 अ डीलर लॉसेस 4%। देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि एक कंप्यूटर को 24,480 रुपये में बेचने पर उस डीलर को, उसमें उस दुकानदार को 4% की लॉस होती है। कह रहा है फॉर हाउ मच शुड ही सेल इट टू गेन 4%। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि उसे कितना में बेचना चाहिए ताकि जो है उसे 4% का गेन हो, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, कितना बेचना चाहिए, मतलब जब कितना में बेचना चाहिए उसका मतलब क्या होगा, आपको SP ऑफ द कंप्यूटर निकालना है एट गेन कितना होना चाहिए, 4% पे निकालना है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन एक बार समझ लो। मान लो कोई डीलर है, जब वो डीलर जो है उस कंप्यूटर को अगर 24,480 रुपये में बेचता है तो उस डीलर को 4% की लॉस हो जाती है, लेकिन वो चाहता है कि नहीं, हम 4% के लॉस पर नहीं बेचेंगे, मुझे 4% गेन चाहिए तब मैं बेचूंगा। तो उसे कितना में बेचेगा, वो कितना में बेचेगा ताकि उसको 4% का गेन हो। तो सबसे पहले वो कितना में बेचेगा, मीन्स उससे पहले हमको क्या निकालनी होती है, वो कितना में खरीदा होगा। भाई कोई भी आदमी जो होती है वो सबसे पहले, कोई भी जो डीलर है, कोई दुकानदार हो, कोई भी चीज कोई भी हो, सबसे पहले खरीदती है, देन उसके बाद बेचती है। तो मतलब सबसे पहले आपको निकालनी है उसकी कॉस्ट निकालनी, मीन्स उस कंप्यूटर का कॉस्ट कितना है, ताकि उस डीलर ने उस कंप्यूटर को अगर उसने कितना 24,480 रुपये में बेचा तो उसे 4% की लॉस हो रही थी। लेकिन अगर उसी कंप्यूटर को अगर उसे चाहिए 4% की ज़्यादा चाहिए, 4% प्रॉफिट चाहिए, 4% गेन चाहिए, तो वास्तव में उस कंप्यूटर कितना बेचा होगा, उस वैल्यू को, उस SP को आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको CP ऑफ द कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर का कॉस्ट कितना है, ताकि जो उसे आप उसे अगर इतना बेच रहे हो तो आपको 4% घाटा हो रही है, अगर वहीं 4% गेन में बेचना चाहते हो तो कितना बेचोगे वो आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखो गिवन में क्या क्या दिया है, गिवन में दिया है आपको SP ऑफ द कंप्यूटर, हियर SP ऑफ कंप्यूटर मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ द कंप्यूटर, SP ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है। SP ऑफ द कंप्यूटर कितना दिया है आपका, दिया है 24,480 रुपये, ठीक है। एंड इस 24,400 और कितना उसे लॉस हो रहा है, 4% की लॉस हो रहा है, तो लॉस 4%, ठीक है। देन देखो, तो सबसे पहले हम क्या निकाल लें, इस जो कंप्यूटर है उसकी कॉस्ट प्राइस नहीं, मतलब वह डीलर जो है उस कंप्यूटर को कितना में खरीदा था, ताकि जो जब उसे 24,480 रुपये में बेचा तो उसे 4% की कितना लॉस हो रही थी। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लें, CP ऑफ द कंप्यूटर, CP ऑफ द कंप्यूटर। तो देखो यहाँ पर लॉस के लिए आपको निकालनी है CP ऑफ द फॉर्मूला लगाना है, क्या होगा, तो इसके लिए CP ऑफ द कंप्यूटर, CP निकालने के लिए क्या होता है आपका, SP इंटू 100 बाई 100, यहाँ प्लस होगा कि माइनस होगा। देखो यहाँ पर अगर गेन रहता तो प्लस आएगा, अगर लॉस है देन माइनस लॉस परसेंट, ओके। तो देखो SP कितना दिया है आपको, दिया 24,480 रुपया, देन 24,480 रुपया आपका गेन, आपका SP है, एंड इंटू 100 बाई 100 माइनस लॉस का कितना परसेंट हुआ है, 4% का, ठीक है। देन देखो, तो आप जब इसे सॉल्व करोगे 24,480 रुपया इंटू 100 बाई 96, ठीक है। जब इसे 2 से कैंसिल करोगे, देखो 2 से करोगे तो कितना होगा, 4 दुनी 8 और 8 बचा, मतलब 1 बचा 1 और 6 कितना 16, तो मीन्स 8 दुनी 16, ठीक है। और इसे 1 से 2 से करोगे, देखो 2 एकम 2 और 2 दुनी 4, देन 2 दुनी 4, उसके बाद 4 दुनी 8 और आपका 1 0 का 0, ठीक है। देन अगेन जो है आप इसे 2 से करोगे तो कितना होगा, 2 दुनी 4 और 4 दुनी 8, और इसे करोगे कितना से 2 से करोगे, तो देखो 6 दुनी 12 और 12 हो गया और 2 बचा, 1 से कट जाएगा,
एंड देन 4 कितना से 2 बार में कट जाएगा एंड 0 का 0। और फिर इससे जो है आपका 24, देखो 4 प्लस 2 कितना हुआ, 6 होता है ना, यहाँ पर देखो 6 प्लस 1 7 प्लस 2 कितना हुआ 9 प्लस 0 मीन्स 9 ही हुआ। मतलब 9 एंड 6 जो है वो आपके 3 के टेबल में है, देन वो 3 के टेबल में है तो बोथ आर डिविजिबल बाय 3, तो देन हम 3 से डिवाइड करें तो देखो 8 त्रिका 24 और यह इसको हम डिवाइड करें कितना से, तो 3 कितना हुआ और इसे 3 से करें 3 दूनी 6, उसके बाद आप कितना हुआ 3 दूनी 6 हो गया, आप उसके 12 दो डिजिट एक बार में आ रहे हैं तो आपको 0 देना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना होगा, तो यहाँ पे होगा आपका 12 है तो 3 चौका 12 एंड देन एक 0 का 0, उसके बाद कितना 2 से करोगे देन ये 4 और ये कितना होगा 1 देन 0 देन 2 देन 0, फिर इसे 2 से करोगे और इसे फिर 2 से करोगे तो आप कितना होगा 5 1, 5 2 10 होगा यहाँ 2 का 1 बार में एंड देन 0 का 0, फिर इसे 2 से कैंसिल कर दो कितना बार में 2 दूनी 4, उसके बाद 2 दूनी 4 हुआ और कितना बचा 4 एक बचा 5 है ना, एक बचा 1 और 1 11 हुआ, तो मतलब 11 कितना बार कैंसिल हो जाएगा आपका ऑलमोस्ट, इसे 5 से 2 से डिवीज करोगे तो 5 बार में देन 5 10 हुआ, एक फिर बच गया 1 और 0 कितना हुआ 10 हुआ, देन ऑफ कम्प्लीटली जो है ये आपका 5 से डिविजिबल हो गया, ठीक है। देन जो है CP ऑफ द कंप्यूटर कितना आया आपका 255 × 100, ओके तो आपका होगा 25,500 आया इतना का। देखो दुकानदार जो है 25,500 में खरीद के 24,400 रुपये में बेचा, तो बेचने पर उसे 4% लॉस हो रही थी, लेकिन अब उसे क्या है, उसके चाहिए गेन चाहिए, तो गेन कितना परसेंट प्रॉफिट, उसे 4% गेन चाहिए। देन देखो आप आपको क्या निकालना है, SP निकालना है एट 4% गेन पे, तो देखो उसे गेन चाहिए कितना का गेन, 4% का गेन। तो देखो यहाँ पर CP ऑफ द कंप्यूटर भी निकल गया, गेन भी दिया है और पूछ रहा क्वेश्चन में वह कितना में बेचेगा ताकि उसे 4% का गेन होनी चाहिए, तो आपको SP निकालनी है, तो अब सेलिंग प्राइस ऑफ द कंप्यूटर निकालनी है, तो देखो SP ऑफ द कंप्यूटर तो SP का फॉर्मूला क्या होता है आपका CP इंटू 100 प्लस गेन परसेंट बाय 100, ठीक है 100। तो देखो तो यहाँ जो है आप CP कितना दिया है 25,500 आपका दिया है 100 प्लस गेन कितना परसेंट का दिया है 4% का, तो 4/100 देन 25,500 इंटू 100 प्लस 4 मीन्स 104/100। तो देखो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, हो गया ना, तो आपका आएगा 255 × 104। देन आप जब इसे मल्टीप्लाई करोगे, अगर हम मल्टीप्लाई करते ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है, अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको जो है मल्टीप्लीकेशन आता होगा, ठीक है। तो देखो जब इसे आप मल्टीप्लाई करोगे, आप चेक कर लेना मल्टीप्लाई करके 26520, ठीक है 2650 मीन्स दुकानदार जो है अगर 26,520 में बेचता है तब जाके उसे 4% की गेन होगी, ठीक है। तो मतलब SP ऑफ द कंप्यूटर कितना है 26,520 रुपये। देखो ये साइन है, यहाँ छोटा स्पेस नहीं था इसीलिए लिखा गया ऐसा, ये साइन है मतलब रुपीज़ का, ठीक है। तो अगर उस दुकानदार जो है वह डीलर जो है अगर उस कंप्यूटर को 26,520 में बेचता है तब जाके उसे 4% की उस कंप्यूटर पे प्रॉफिट होगी, लाभ होगा और गेन होगा, कभी जो भी करना है। तो प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपके लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट कर दोस्तों। ओके थैंक यू फ्रेंड्स।